नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में रविवार के दिन तुलसी को छूने और जल चढ़ाने की मनाही होती है, लेकिन ऐसा क्यों है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि यानी भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए इसके पूजन से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो विष्णु भगवान के पूजन के लिए बृहस्पतिवार यानी गुरुवार ही शुभ दिन होता है, लेकिन कुछ मान्यताओं के मुताबिक रविवार का दिन भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय होता है, तो वहीं तुलसी भी विष्णु प्रिय मानी जाती है, इसीलिए रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। कहते हैं जो कोई भी इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ता है उस पर भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। वहीं सप्ताह के सातों दिन में रवि और मंगल को क्रूर तो शनि को अशुभवार माना गया है, इसीलिए मंगल और शनि को भी तुलसी के पत्ते तोड़ना निषेध है। साथ ही एकादशी भी तुलसी को प्रिय है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है, इसीलिए एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो वहीं हिंदू धर्म की माने तो तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जाता है, इसीलिए रोजाना तुलसी के पत्ते तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। माना जाता है विष्णु भक्त होने की वजह से रविवार को तुलसी उनकी भक्ति में लीन रहती हैं। उनकी तपस्या भंग ना हो इसीलिए रविवार के दिन गमले में पानी भी नहीं दिया जाता। पुराणों के अनुसार द्वादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहा जाता है बिना उपयोग कभी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा करना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। कुछ लोग बिना नहाए धोए तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक तुलसी को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता और उनका इस्तेमाल पूजन में करता है तो ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।